देखिए दोस्तों, ये आपको माउंटेनियरिंग की शुरुआत दिखने लगी, यहाँ से पहाड़ों की शुरुआत हो जाती है। और वैसे तो ये पहाड़ देखने बिल्कुल सामने लग रहे हैं, लेकिन यहाँ से अभी भी करीब करीब 4-5 किलोमीटर दूर पे होंगे। और यहाँ से हिमालय पर्वत श्रृंखला की छोटी चोटियाँ शुरू हो जाती हैं, शुरुआती स्तर पे पहाड़ी क्षेत्र शुरू और मजा आना शुरू। आप बने रहिए हमारे साथ और पूरा मजा लीजिए इस टूर। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग मनाली पहुंच चुके हैं। एंट्री है मनाली के, यहाँ से मेन टाउन मनाली का 19 किलोमीटर आप देख सकते हैं, और रोहतांग 75 और सोलांग वैली 35 किलोमीटर यहाँ से है। और मनाली में आते ही नजारे बदल चुके हैं, और जो वाइब्स होती हैं गूज़बम की, वो भी हम सबके अंदर आने लगी हैं यहाँ पे। और देखिए, नेचर में ताकत ही वो होती है कि आपको किसी भी स्थिति से निकाल के एक बहुत ही बेहतरीन, ये आपको आपके माइंड को, आपकी बॉडी को बिल्कुल डिटॉक्स कर देती है। इनके व्यूज ही, यहाँ की जो हवा है इसमें अलग ही ताजगी होती है। तो इसीलिए जब भी समय मिले पहाड़ों पे जरूर निकल आए। और दोस्तों, फाइनली मनाली यहाँ से 17 किलोमीटर बचा हुआ है, रोहतांग 71 किलोमीटर और लेह 493 किलोमीटर। और हमारा होटल भी यहाँ से करीब करीब 18-19 किलोमीटर बचा हुआ है। बहुत जल्द आपको होटल के भी व्यूज हम दिखाएंगे। और दोस्तों, ब्यूटीफुल व्यास रिवर जो मनाली की लाइफ लाइन है, मनाली के साइड साइड हमारे मनाली पूरे साथ साथ बहा करती है, वो आपने देखी। ये नीचे व्यास नदी बह रही है। और मनाली बचा है 14 किलोमीटर, रोहतांग 68 किलोमीटर, केलांग 134 किलोमीटर, लेह 490 किलोमीटर। केलांग भी एक बहुत ही खूबसूरत गांव है मनाली लेह हाईवे पे। कल हम लोग इसको आपको दिखाएंगे, क्योंकि आज तो हम लोग मनाली में रुकेंगे, कल आपको केलांग और जिस्पा के व्यूज दिखाएंगे। वाकई ये दोनों गांव ऐसा लगता है कि स्वर्ग है, और लगता है कि यहाँ से कभी जाया ही ना जाए। कभी समय मिले तो जरूर यहाँ आइए। ये ब्यूटीफुल एंट्री है मनाली की। समा बंद जाता है पहले ही, और आदमी मेस्मराइज या मंत्रमुग्ध हो जाता है। और अक्टूबर महीने में तो इसकी ब्यूटी 3 से 4 गुना बढ़ जाती है मई जून की अपेक्षा, क्योंकि एक तो ग्रीनरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बरसात के बाद से, मौसम में जो रूखापन होता है, और यहाँ जून में चूंकि दिन में 30 डिग्री तक टेम्परेचर, 35 डिग्री तक चला जाता है, वो भी कम हो जाता है 5 डिग्री करीब। दूसरा, ग्रीनरी बढ़ जाती है जो मैंने बताया आपको, हरियाली बरसात के बाद से। और तीसरी जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, भीड़ कम रहती है, क्योंकि जून मई में यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि आपको गाड़ी अपनी पार्क करना भी मुश्किल हो जाता है सड़क किनारे कहीं पे। अभी उससे आप बचे रहते हैं। तो चूंकि ये पहाड़ी जगह है जो नेचुरल प्लेसेस होते हैं दोस्तों, इनमें जब तक शांति नहीं रहती है तब तक आप इन्हें कभी नहीं एंजॉय कर सकते। पीस ऑफ माइंड जब आपके पास होगा तब आप इनका असली मजा ले सकेंगे। तो भीड़ कम होने का एक बहुत बड़ा फैक्टर जो अक्टूबर महीने में आपको इसके मजे को 4 गुना कर देता है। और अब मनाली 8 किलोमीटर, रोहतांग 62, केलांग 128। ब्यूटीफुल व्यास रिवर। देखिए, फॉरेनर्स, विदेशी टूरिस्ट भी खड़े हुए हैं यहाँ पे। सामने देखिए कितना खूबसूरत सा पहाड़ दिख रहा है, और पता नहीं रोशनी पड़ रही इस वजह से या वाकई में स्नो है। बर्फ ही है यार, बर्फ ही है वो, श्योर मीन्स ऊपर, हाँ श्योर श्योर दिस इज स्नो। और देखिए, मनाली आते ही आपको बर्फ दिखने लगी, स्नो दिखने लगा, इससे ज्यादा खूबसूरत क्या हो सकता है। केलांग जस्पा, कल जब हम लोग जस्पा और केलांग जाएंगे तो इससे मनाली 2 किलोमीटर, सोलांग वैली 18 किलोमीटर, रोहतांग 5 56 किलोमीटर, लेह 478 किलोमीटर।
एंड दिस इज द ग्रैंड एंट्री ऑफ मनाली. एंजॉय ऑल दिस सीनिक व्यूज. भीड़ बहुत कम है, खूबसूरती बहुत ज्यादा है, शांति पीसफुल है. अदरवाइज आप गर्मियों में जब आते हैं यहाँ पे तो बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, रस रहती है, अशांति रहती है, तो आप उस तरह से इसको एंजॉय नहीं कर पाते. यहाँ कहीं भी गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं रहती है. अभी आपको जगह है और सारी बसेस देखे बाहर के आई हुई वहां पे पार्क के नीचे अगर आपको दिख रही हूँ तो. वीडियो में प्रॉपर मनाली में आ चुके हैं. ये प्रॉपर मनाली है, देखिए इधर पाइन ट्रीज आपको दिख रहे होंगे और ये पूरा मनाली का एक हिस्सा बसा हुआ आपको दिख रहा होगा. तो इन नजारों की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है. हिडिंबा देवी टेम्पल, मारही, रोहतांग और लेह. हाँ बिल्कुल चलेंगे हम लोग कल. हिडिंबा देवी टेम्पल जाएंगे हम लोग कल और मार्च मनु के टेम्पल भी हम लोग जाएंगे. इनके सबके दर्शन करेंगे हम लोग सीधा. और बस हम अपने होटल पहुंचने वाले हैं. यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर हमारा होटल बचा हुआ है और होटल भी इतनी बेहतरीन लोकेशन पे है कि अभी चल के आप लोगों को दिखाएंगे. वो इस टूर का स्टे का मजा दोगुना कर देगा निश्चित तौर पे. एक अच्छी प्रॉपर्टी अगर आप चूज करते हैं तो आपके टूर के एंजॉय को कई गुना बढ़ा देती है. तो सामने देखिए इन वहाँ पे निकल के इन्वेस्टर्स मजे लेते हुए टूर के अपने, और टूर किया ही मजे लेने के लिए जाता है, एंजॉय करने के लिए किया जाता है. उसमें डेंजर पुल से हमारी गाड़ी हमारे होटल के लिए जा रही है. ये पूरा लोहे का ऐसे रस्सी पे बंधा हुआ पुल है वहां का. ये तो यार बहुत डराने वाला बड़ा एडवेंचरस मामला है भाई. जंप कर रहा है बहुत आराम आराम. चलिए बहुत धीरे धीरे तिवारी, बहुत धीरे धीरे. ये देखिए नीचे कल कल करती हुई नदी बह रही है. और हाँ रस्से वाला है पूरा. कमजोर दिल का आदमी तो जाएगा नहीं उस पार, गाड़ी उधर ही खड़ी कर देगा यार. आगे आगे खैर फाइनली सक्सेसफुली क्रॉस्ड हमारा होटल. फाइनली वी आर हियर. सामने पेड़ भी है, बहुत सही बाग है, सेब की बाग है. पिछली बार भी लिया था, पिछली बार भी लिया था सेब की.